एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद राजन मैं तू राजा कहिए पुहुमन मैं पुहुमा ठाकुर मैं ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो तनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिसम्मा पिता मेरो बड़ो तनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिसम्मा जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार नवाजिश बख्शिश है। शाम दे समय दा दीवान असी मान रहे हाँ। गुरुद्वारा साहब तो लगातार शामां दा दीवान चल रहा है। रहरास साहब जी दे पाठ तो उपरंत कीर्तन ते हुण समां गुरबाणी विचार दा है। तवारीखी तौर ते जो तारीखां सानूं मिलदियां ने वैसे ते नॉर्थ अमेरिका सारे दे विच असीं 5 जनवरी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउने आ। इस वार भी मनाया पर कई वार कैलेंडरी जिहड़ियां डेट्स ने कैलेंडरस दीआं उन्हां विच थोड़ा फर्क होण करके अज दे दिन खास करके पंजाब दी फिजां दे विच गुरपुरब साहब मनाए जा रहे ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। यह है कि सतगुरु की स्तुति सतगुरु की तारीफ सतगुरु के जीवन रिश्मा दे विच्चों सानू बख्शिश जिनी मिल जाए उन्नी ही थोड़ी है। सो सानू समा बनिया उहदे मुताबक असी बात अज फिर पावांगे। गुरु ग्रंथ साहिब का पावन बचन कि जन्म मरण दूहूं मैं नाही जन पर उपकारी आए। वो तो जन्म मरण तो परे ने उन्हां दी ते आमद हुई एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट के रूप के एक ऐसी विचारधारा के रूप के एक ऐसे ज्योत जीवन महता के रूप के जिहड़ी कल भी मौजूद सी अज भी मौजूद है उन्दे कल युगां युगांतरां तक अटल है। सो जी दान दे भगती लायन हर सो लैण मिलाए जिहड़े सानू जी दान देना है जीवन जिउण दा ढंग तरीका वल सलीका जीवन दी असल आभा नूं मंडित करन वास्ते आए। सो सतगुरु पातशाह दे चरणां ते नमन करदिआं होइआं खाकसार आप समूह दे समकक्ष अपनी फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उस दिन भी हकीम अलायार खां जोगी जी ने कुछ अल्फाज जो असीं सांझे कर रहे सीगे कि करतार की सुगंध नानक की कसम है जितनी भी हो गुरु गोबिंद की वो तारीफ कम है। वो कहिंदा कि करतार की सहु खा के गुरु नानक साहब की कसम खा के मैं गल ईमानदारी नाल कह रहा गुरु गोबिंद सिंह साहब की तारीफ जिन्नी करांगे थोड़ी होएगी क्योंकि जितनी भी हो गुरु गोबिंद की वो तारीफ कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है सतगुर के लिखो वसफ कहाता बेरकम है। भावें जिन्नी मर्जी जोरावर कलम होए उन्हों जे को बंदा सवाल पूछे ना भी हकीम अल्लाह यार खान जोगी दे एफर्ट ते पा ना एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू राइट समथिंग टू एक्चुअली प्रजेंट समथिंग अबाउट गुरु गोबिंद सिंह साहब। वो कहिंदा इहदे च कोई शक नहीं कि मेरी कलम च ते बड़ी ताब है मैं ते जो चाह प्रजेंट कर सकता पर जिदे बारे प्रजेंट करना है ना जिदी वाकफियत तुहाडे नाल करानी है लफजा अल्फाजा हरफा अखरां शब्दों के जरिए वह हस्ती गुरु गोबिंद सिंह साहब है। कहिंदा उहदे सामने हरफ लफज अल्फाज अखर वाक गल्लां ये सब बहुत छोटियां हो जांदियां ने। उहदा कद उहदी जो
जीवन या भाया इतनी विशाल ते इतनी प्रभावित करने वाली है, इतनी प्रभावशाली है कि हर चीज़ उसके सामने छोटी हो जाती है। सूरज दे वत चमकता है इस धरती ते, इस मनुखां दे समुचे इतिहास दे विच। सो ऐसे गुरु गोबिंद सिंह साहब जिन्हां दा प्रकाश 1666 दे विच पटना साहब विखे हुंदा आ, उस दिन मैं कुछ तवारीख विचों बात पाई सी कि गुरु तेग बहादुर साहब किवें उस प्रचार दौरे दे विच हुंदे ने सब रूपां दे अंदर। अज उहदे नाल कुछ घटनावां, क्योंकि अज भी तुसीं देखोगे जिहड़ा माहौल पंजाब ते आले दुआले खास करके भारतीय खिते च बन रहा है, उत्थे एक सामने तौर पर तुहाडे तुहानूं दो फोर्सिस स्ट्रगल करदियां मिल रही ने आमो सामने। एक फोर्स वो है जिहड़ी मनुखता नूं धर्म दे किसी खास पहचान दे किसी खास आइडेंटिटी दे अंडर लिया के ते उन्हां नूं स्लेव बनाउणा चाहुंदी है। दूसरे पास एक ऐसी सोच आ जिहड़ी लोक सोच आ जिहदे विच सब दे आपो अपने रंग बोलियां रहन सहन कल्चर हर चीज़ की बात हो रही है, तो ये सारे की अगवाई सिख ते पंजाब कर रहा है। हुण ये चीज़ ये गुरु गोबिंद सिंह साहब की आभा है, ये आभा गुरु नानक दे घर की है। साहेब महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ जंग लड़ी, तो कई बार असं भी देख लें कि शायद मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई होएगी, शायद इस्लाम के खिलाफ लड़ाई होएगी, ना। इस्लाम नूं मनन वाले ते गुरु साहब नूं इश्क करन वाले ने पीर बुद्धू शाह वर्गे। जदों पगाणी की जंग हो रही होंदी है या होने लई तैयार होंदा कम सारा, तो गुरु साहब दे कोल कुछ तनखाह ते पठान रखे सीगे, रखवाए सीगे जमानत दे के सडौरे वाले पीर बुद्धू शाह जी ने। जिवें ही वह जंग का माहौल बनया तो पहाड़ी राजिया ने उन्होंने कुछ एक्सट्रा मनी जी ऑफर कर दी, कुछ एक्सट्रा परक्स ऑफर कर दिते, वो गुरु साहब की कमांड छड़ के उधर चले गए। पीर बुद्धू शाह पता लगा सडौरे तो बिना देरी वहीरा कतदा होया जल्दी दे नाल धन गुरु गोबिंद सिंह साहब को पौंटा साहब पहुँचे। महाराज तो जाके हथ बन के खिमा मंगी, पातशाह मेरा गुनाह मेरी जिहड़ी गलती है मुआफ करने के लायक नहीं है, मैदाने जंग दे विच इत्थे सामने सारा मुहाज बड़े है, जिन्हां नूं मैं अपनी जमानत ते लैके आया सीगा सालसी करके वो इत्थे जवाब दे गए, दगा दे गए जंग मैदाने जंग दे विच। महाराज इहदे लई मैं खिमा मंगण दा वी हकदार नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब उठ के खड़े होए, महाराज ने पीर बुद्धू शाह नूं कलावे च लिया, घुट के गल नाल लाया, तो साहिब पातशाह ने जवाब यह दिता, महाराज कहिंदे पीर जी किहड़ियां गल्लां करदे हो, तुहाडे लई जगह साडे दिले पाक विच आ, साडी मुहब्बत विच आ, तुसीं साडे साहां विच जिउंदे हो, बाकी गल रही जंग दी, पीर जी जिथे तुहाडे अगे पीर आ के खड़े हो जाण वो मैदान कोई साडे तो खो सकदा आ। पीर बुद्धू शाह दे खून दे विच एकदम जिहड़ी आ नवीं रौनक ते नवीं एकदम तरोताजगी जिहड़ी आ दौड़ उठी, उहदे अपने शागिर्द उहदे अपने पुत जंग च अगे वध वध के जिहड़ा लड़े। हकीकत यह है अपने तीन बिंदी पुत्र शहीद कराए पीर बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह साहब दी उस मैदान विच पया होया। किन्ने दर्जना चेले जंगे शहादत पाउंदे ने, कई सैकड़े शागिर्द जख्मी हुंदे ने, यह है गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल प्यार करन वालियां दी बात। सो साहिब पातशाह बारे ये कहा जाए वह इस्लाम विरोधी सीगे या मुसलमानां दे विरोधी सी, ऐसा कुछ नहीं गा। साहिब पातशाह ते सीधे तौर पर मनुखता नूं प्यार करने वाले ने, तो जिन्हां ने गुरु साहब के असल उस रुतबे नूं उस कैलीबर नूं उस शख्सियत नूं उस हस्ती नूं असल जोत नूं उन्हां दे असल सूहज ते विचार नूं पहचाणिया, वह गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों के पौरे हो गए। ये ना गुरु गोबिंद सिंह साहब, यह है वह हस्ती धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की जिदी असी बात पाने। खैर इन्हां दे प्रकाश के नाल दीआं कुछ घटनावां ने मैं उन्होंने अक्सर राइटर्स ने प्रजेंट कीतियां ने, भावें प्रिंसीपल गंडा सिंह ने, भावें प्रिंसीपल तिज प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने, या कुछ होर डिफरेंट राइटर्स भी तुसीं लै लो, तो वो ये बयान करते कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के प्रकाश के नाल कुछ घटनावां ऐसियां वापरतीआं जिहड़ियां बड़ियां अलौकिक ने, इन्हां विच आर
totally which can amaze us if we go through with those incidents. Aaj da zamana eh hai assi mobile facilities de naal jee rahe haan. साडे कोल मोबाइल सैल्यूलर फैसिलिटीज़ हैगियां ने, एक एक पल की खबर है, नैटवर्किंग बनी है वर्ल्ड वाइड, सब चीज़ों की खबर इधरों उधर तो उधर इधर जा रही है. जिस जमाने की असी बात कर रहे हैं 1666 की, उस समय दे विच, उस समय एक घटना वापरती है पटने विखे, माता गुजरी के ग्रह विखे. धन गुरु गोबिंद सिंह साहब साहबजादा गोबिंद राय के रूप के, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के ग्रह विखे, उन्होंने वेड़े विखे चरण पाते हैं, प्रकाश होंगे उन्होंने. बिल्कुल उस समय उतों कई मतलब 100 मील दूर पंजाब की घग्गर दरिया के इलाके दे विच, इत्थे ठसका का इलाका पैंदा आ, मीरा जी का ठसका, इतों का एक पीर है जिहड़ा कुड़ाम उहदे बिल्कुल नेड़े ही पैंदा इलाका, उत्थे उह रहिंदा है. तो वह पीर भीखम शाह हुंदा कि उह सवेरे उठदा है, उस जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का प्रकाश होंदा है, उस दिन की बात है. जिन्हां लोगों ने इस चीज़ नूं बाद दे विच कोड भी किया जगह जगह दे विच, उन्होंने वेरवा दिता कि ये मुसलमान जिहड़े उस वक्त हुकमरान सीगे, खास करके औरंगजेब, उन्होंने इंटैलीजेंस दे विचों रिपोर्ट उन्होंने प्राप्त होंदी है. ये उन्होंने इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है कि अज मीरा जी दे ठसके वाला आ जिहड़ा पीर सीगा, जो इस वक्त कुड़ाम विच रह रहा है, बहुत वड्डा उहदा रुतबेदारी सीगी, एक घटना इहदे डेरे ते इहदी इस खास करके जगह ते गाह ते वापरी है. ते फिर इहदा रुतबा जिहड़ा दा मरातबा इस पीर दा, उह भी कोई आम नहीं गा. इहदा मरातबा इस तरह है कि एक वारी कहिंदे ने कि सिपाही एक शख्स नूं लै के जा रहे सीगे, ते उहदा सरहिंद दे नवाब दी कचहरी दे विच केस चलना सीगा, ते उहनूं सजाए मौत पक्की सी जिस तरीके नाल उहदे उत्ते सारा मुकदमा चल रहा सीगा. ते जदों सिपाही लै के गए ते रस्ते दे विच पीर भीखम शाह जिहड़े ने, इन्हां ने एक पल खड़े होकर उन्होंने निहारिया, देखिया, गल कोई नहीं कीती, सिर्फ नज़र मारी ते तुर पए. जदों सिपाही उत्थे पहुंचे ते कचहरी जाके सिपाहियां ने बात ये वाकफियत बयान कीती कि रस्ते च पीर भीखम शाह सीगे, ते उन्होंने बड़ी नज़र भर के इहनूं देखिया ते फिर उह चले गए. इन्हां कहण दे उत्ते ही मुगल हाकमां ने उन्हां दे रुतबे का अदब करदिआं होइआं उहदीआं बेड़ियां खोलतीआं, उहनूं माफ़ कर दित्ता. मतलब उहदा सल्तनत दे विच, लोकां दे विच, अलीट दे विच हर जगह ते प्रभाव बड़ा उमदा सीगा. डेफिनेटली बहुत स्पिरिचुअल साइड तो जिहड़ी एक परसनैलिटी मन्नी जा सकदी है. हुंदा की है कि 1666 दी उह सवेर जदों उठदा आ, ते उठ के चढ़दी सवेर जिहड़ी है, नमाज जदों ने अदा करनी है, तो नमाज अदा करने वास्ते वह मुसल्ला बिछा रहा, कपड़ा बिछाउंदा, तो कपड़ा बिछा के उत्ते सजदे विच बैठदा. सजदे च बैठ के वह अपनी कलौतां अदा करदा नमाजां सारियां, तो उस तो बाद उठ के वह इस तरीके दे नाल अपनी अखां दे उत्ते अपने हत्थां नूं बौसे लै के छड्दा. तो उहदा एक शागिर्द उहदे कोल आ के उहदे नाल हैल्प करदा उहदा कपड़ा चुकण दे विच. तो उन्हूं कहिंदा है, कहिंदा मुर्शद कामल, पीर जी गल ये हुई है कि तुसी अज भुलेखा खा गए हो, पता तुसी थोड़ा शायद तुहानूं पता नहीं लगा, सवेरे सवेरे थोड़ा इन्ना चानण नहीं सी, रोशनी सिर्फ आ ही रही सीगी, तुसी ध्यान नहीं कीता, तुसी जिहड़ा मुसल्ला बिछाया नमाज पढ़न वास्ते, तुहाडा चेहरा लेंदे दी बजाए चढ़दे वल नूं सीगा. आपां नूं शायद अहसास होएगा जिवें दी पंजाब दी ते इंडिया दी जोग्राफिकल लोकेशन हैगी, उहदे अकॉर्डिंगली जदों उत्थों दे नमाजी नमाज पढ़दे ने, उहनां दे मूँह लहिंदे नूं हुंदे ने, क्योंकि लहिंदे वल नूं अपने आप नूं जिहड़ा सारे एक डायरेक्शन च रख के नमाज पढ़दे ने. जदों बात होई तो क्योंकि लहिंदे वल नूं उहनां दा खास करके मक्का ए मुबारक है, तो उस वल नूं नज़र करके नमाज पढ़नी चाहुंदे ने. जदों उहदे शागिर्द ने आह गल कही तो उह पीर भीखम शाह कहिंदा है, कहिंदा जवाब दिंदा, कहिंदा असी लहिंदे नूं मूँह क्यों करदे आ. तो उहदा शागिर्द जवाब दिंदा, कहिंदा वी पीर जी तुसीं दस्सिया सी इधर खुदा दा नूर है. कहन लगे बस अज इंज जाणो, खुदा दा नूर इधर नहीं, इधर आ गया. ये बात पीर भीखम शाह ने कही. एकदम शागिर्द भी बड़े हैरान होए, पीर दी भी
जिहड़ी अपनी सुरत आ उहदे च चीज़ लगातार रिड़क रही है। उन्हें अल्टीमेटली आले दुआले सारी इनफॉर्मेशन गैदर की, पता किया कि घटना वापरी होएगी इधर। जदों पता किया तो पता लगा गुरु नानक दे नौवें जानशीन गुरु तेग बहादुर साहब अपने परिवार के नाल इधर जौनपुर के अवध के इलाके नूं गए ने। वह कहिंदा डेफिनेटली उत्थे उन्हां दे ग्रह विखे कोई चिरागे कुल कायनात आया आ, मैनूं लगदा उत्थे सारी संसार नूं रोशन करन वाली कोई सुरत आमद लै गई है। सो ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की आमद के नाल की घटना बयान की जाती है। कहिंदे ने हुंदा ये है कि पीर उत्थों तुर पैंदा आ, मैं पूरी साखी नूं शॉर्ट रूप में बयान करा मुख्तसर रूप दे विच, तो उच्चे हुंदा कि पीर ऑल द वे पटने पहुँच जाता है। जो पहुँच के उत्थे पता करता एकदम वह घटना रिलेट करता है, तो उस दिन उस घड़ी एहसास लिया पता लगता है उस समय ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का प्रकाश हुंदा है। उन्हें एहसास हो गया इस कायनात दे विच युग पुरश आ गया है। सच्चाई ये है, तुहानू गुरु गोबिंद सिंह साहब जिन्हां दे बाबत आपां हकीम अल्ला यार खां जोगी दे बचन उस दिन थोड़े कह रहे सीगे, समय के मुताबिक कह ना पाए पूरे, वो जिक्र करते ना कि सतगुरु गोबिंद तू अबर कर्म है, सतगुरु गोबिंद तू अबर हमम है, सानी तेरा दारा था सिकंदर है ना जम है, खाता तेरे कदमों की फरीदू भी कसम है। है गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी धरती दे उत्ते वरन वाले पानी दे बदल नहीं बख्शिश दे बदल हो, यह सच है। ऐसी बख्शिश इस धरती ने इस रूप में नवाजिया, इस रूप दे च उसनू तरोताज कर दिता गुरु साहब ने, उहदी होनी बदल के रख दिती जिहदी अज तक असीं उह तस्वीर एज इट इज़ वेख रहे हैं। अज दी अज दे जमाने अज दे समय दे विच तुसीं देखो ना कि कुछ लोग अजकल भी बड़िया जिहदे बाबत बड़े तरलो मच्छी हुंदे ने कि सिख एवें किवें कर सकते ने, सब नूं सांझीवालता का संदेश दे रहे ने, लंगर ला रहे ने सारियां वास्ते, पूरे खिते दे करसाना लई आप अगे वध के अपनियां हर चीज़ जिहड़ी दा ते ला के बैठे ने। मैनूं अकबर मुरादाबादी दा कई वार उहदा बड़ा कमाल दा सुखन बोल याद आउंदा है। वह कहिंदा है कि रकीबों ने शिकायत की है जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। भी कोई जमाना या खुदा का नाम लैन वाला, यह कोई जमाना है जिथे आप खुदरी पई है, यह कोई समा आ जिथे अपने आप को छड़ के दूजिया की बांह फड़नी होए। इस जमाने विच भी कुछ लोग ने, इस जमाने विच भी कुछ सिख ने, यह गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां पुत्र पुत्रियां ने, यह गुरु गोबिंद सिंह साहब के सिखाए हुए, ये उन्होंने चाटड़े उन्होंने पढ़ाए हुए लोग ने। यह है सतसंगत, सतगुरु चटसाल है, ये उस गुरु की चटसाल दे विचो, उस गुरु की टकसाल दे विचो घड़ के निकले हुए मनुख ते उन्हां दी सोच ते उन्हां दी सोहबत आ, यह है गुरु गोबिंद सिंह साहब। ऐसी हस्ती युग पुरश के रूप के जिन्हां दी आमद हुई, पीर भीखम शाह अंदाजा ला गया डेफिनेटली यही यही असल च युग पुरश है गुरु गोबिंद सिंह साहब। पर फिर भी एहसास सीगा आखिरकार इन्नी दूर तुर के आया, सिजदा तो करांगा पर सिजदे दे विचों अपना सुनेहा भी नाल लैके जावांगा। नो डाउट नानक दी जोत है, नानक दा घर आ, सर्वसांझा घर आ, ना हम हिंदू ना मुसलमान, निर्मल पंथ दी बात आ, एक मैल रहत चंगेरे मनुख दे जीवन जाच खालिस सोच वाले वधन वाले पास एक सारे दी आ भाया। पर फिर भी कुछ तो पता करना चाहिए ना। सो उहदे च फिर साखी दे कुछ चीज़ां इस तरह बयान होंदियां ने कि उसने पहला तो अपने वालों नजराने के तौर पर दो मठियाई दियाँ कुजियाँ एवें हाथ विच फड़ियां, तो दोवें कुजियाँ फड़ के बाल वरिस मडोली बाला प्रीतम जिन्हां दे कोलों अजे माँ दे शीर की महक आ रही है, तुहानूं पता बेबी की महक बच्चे की जदों महक होंदी उस रूप दे विच, उन्हां दे बिल्कुल कोल लिजा के तुने अपना सिजदे सीस अगे कीता, तो जो सी सुकदा आ तो बाल वरिस मडोली दे हाथ दोवां कुजियां इस तरीके नाल पए ने। वो कहिंदा सुभान अल्लाह, कहिंदा खुदाया तेरा शुक्र है। दोने कुजियां इस तरीके नाल वापस करके मत्थे नूं लगा के अपने शागिरदां नूं फड़ा दित्तियां। जिवें ये बात हुई उस तो बाद फिर दो कुजियां फड़ियां,
दोनों कुजिया फड़ के फिर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के अगे किया। उस बाल बरिस मंडोली साहबजादा गोबिंद राय रूप जी दे जो विचर रही है उन्होंने सामने चरणा के कोल करता है। पहलिया दोनों कुजिया के मठियाई है, दूसरिया दोनों कुजिया एक पानी एक दुध है। जिमें ही चरणा के कोल ले जाता है तो बाल बरिस मंडोली हरकत आती है, दोनों पैर मार के डोल दिंदी है, फिर दोबारा वो कुजिया वापस फड़ा के सिजदे च कहिंदा है शुक्र है। जो बात हुई वो शागिर्द मामा कृपाल दास जी उत्थे से मौजूद सी उस वक्त, वह भी ने होर सिख भी ने, उन्हें केड्डा वड्डा पीर आ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब आप गुरु गोबिंद गुरु तेग बहादुर साहब जी साहबजादे के दीदार पा रहा है। तो इस तरीके कुजिया पेश करता है, कभी मठियाई दियाँ कभी एक दुध एक पानी दी, इस तरीके वो दुध डुल जाता है, फिर भी शुक्र सिजदे शुक्र सिजदा कर रहा है। कुछ तो बात होएगी। खैर शागिरदा ने हौसला करके बात पूछी, कह लगे मुर्शदे कामल तुहाडे चेहरे दियां मुस्कुराहटां दसदियां ने को वड्डी रब रमज जिहड़ी रब्बी रमज वो तुहानूं समझ लगी है। तरस करो सानूं भी अपने उस करम सुभा दे विच लियाओ, करमठ सुभा नूं अपने नूं विखाओ। एक सैन गोष्ट हुई है, एक इशारियां दी भाषा दे विच सवाल पूछे गए ने, उन्हां इशारियां च जवाब मिल रहे ने, सानूं समझाओ, सानूं इह भाषा नहीं आउंदी। पीर जी ने हस के कहा सीगा, कह लगे गल ये है इस खिते दे विच इस पूरे दे पूरे इलाके दे विच दो तबके ने जिहड़े कशमकश दे विच ने, एक पासे मोमनी तारा एक पासे बेदी तारा है, ये दो तारा ने, दोवें तारावां अपने आप दे स्ट्रगल कर रही ने, दोनों नूं ही किसी तरीके दे नाल ना सुख मिल रहा ना चैन मिल रहा है, बल्कि दोनों नूं ही लोड़ आ उन्हां नूं सही राह विखाउण वास्ते। मैं इस बाल बरिस मंडोली दे सामने ये सवाल किया सीगा, जिवें नानक दा राह पिछों चलदा हुंदा है, क्योंकि तुसी पीरे कुल कायनात होण वाले हो, मेरी अंदर दी आवाज़ मैनूं यह कह रही है ये सच है। मैं इस करके बात शुरू की थी ना भी जितनी भी हो गुरु गोबिंद की वो तारीफ कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखो वसफ, ऐसे सतगुरु दी वाकफियत लिखोगे तो किवें लिखोगे। इत्थे पीर जी कहिंदा है मैनूं पता आ तुसी पीरे कुल कायनात होना आ, तो मैं सिर्फ इन्ना देखना चाहुंदा वा दोवें चो किस तबके नूं तुसी ज़्यादा नवाजोगे। जदों इह बात होई तो इस पीरे कुल कायनात ने दोनों कुजियां नूं हथ पा लिया। मैनूं क्या घबरा ना, मैं सब दा ही हाँ, मेरे घर दे विच कोई आएगा, इनू बाबा कबीर जी दे शब्दां च असी कहिंदे जिस दर आवत जात हो हटकै ना ही कोई, सोदर कैसे छोड़ी है जोदर ऐसो होए, इहो जिहा दर्ज दे च किसे नूं हटक नहीं, किसे नूं रोक नहीं, किसे नूं किसे किस्म दे नाल वो वेदन पीड़ा नहीं हैगी। मैं उस दिन साहबजादिआं दी शहादत की बात पाउंदे बात की सी, इन्नी फेयर गेम धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आप खेडी तो सानूं खेडनी सिखाई। सम टाइम पीपल से असी जिस दुनिया च रह रहे हैं दुनिया बड़ी बायस आ, हर तरह के बायस नूं गुरु साहब ने तोड़ के सानूं एक सच्चा ते उच्चा जीवन जीण दी जिहड़ी है वो प्रेरणा दित्ती और डेमोस्ट्रेशन की जिहदी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो मैं बात कर रहा सीगा कि जदों साहब दे सिखे बयान ने देखते ना कि दरिया के उत्ते इन्होंने सहुं खा के धोखा दिया, हर सिंह को पैमा शिकनों ने, बेमेहरों ने, मेधर्मों ने, ईमान शिकनों ने, वो कहिंदा ईमान शिकन लोग अपने धर्म ग्रंथ की सहुं खा के तोड़ के इतों तक आ गए। गुरु साहब कितने तुसी सानू थोड़ी जी भी इस किस्म की जिहड़ी है चलाकी करनी सिखाउंदे, इस किस्म की चलाकी की बात पाउंदे, असी इन्हां दा नामो निशान मटे देना सीगा। पर साहब ने कहा ना, असी सिर्फ तो सिर्फ शुभ दे उत्ते खड़े हैं। मैं कहा सीगा लोग कहिंदे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, बट धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सेइंग नो, फेयर मीन फेयर, whatever circumstances are, as a human being we have to go fair, we have to be fair all the time, that's our duty. jithe assi unfair hoye nahi utthe hi asal vich dharm da maayna tutt gaya sade vaste. so aisi hasti jehda sab nal fair vartya, sab nu fair game sikhai, eh guru gobind singh sahab ne, is karke oh kithe vi bias nahi ge. je hindu changa aya jo sanatni dhara vich aa reha hai उन्होंने भी गुरु साहब ने प्यार दिता, जे मुसलमान चंगा है उन्होंने भी प्यार दिता। ये साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की आभ आया। उन्होंने घर 52 कवि ने,
जिन्हां दे विच भाई चंदन सिंह वर्गे लोग भी ने जो गुरु साहब की सिक्खी के नाल सीधे तौर पर वास्ता रखते हैं, भाई नंद लाल जी वर्गे लोग भी ने जो पुरानी वैदिक प्रॉपर्टी विचों आउंदे ने पर गुरु महाराज के रंग आके रंगे जाते हैं, जिदे बारे से उस दिन बात कर रहे जिन्हें कहा सीगा ना सुरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह एस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजो नूर गुरु गोबिंद सिंह, जिन्हें कहा सीगा कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, ऐसे गुरु गोबिंद सिंह साहब जिदी तारीफ विच बचन सीगा कि जिदा धरती ते कोई आसरा नहीं हो सकता है गुरु गोबिंद सिंह साहब तो उहदा आसरा है, क्योंकि नंद लाल नूं गुरु साहब इस आसरे के रूप में वरते इस आसरे के रूप में मिले आके सो हब नाल इश्क किया। किहदी बात की दूसरे पासे मैं बात की जो आप इतिहास चो देखते जो हमने पीर बुद्धू शाह की बात की नहीं तो गनी खां नबी खां की बात कर लो, राय कलां की बात करो, काजी रुकनदीन की बात करो, तुसी एक तो बाद इतने भीखण शाह तुहाडे सामने खड़ा इहदी बात कर रहे हैं। खैर जदों ये बात हुई तो उसने कहा कि ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ये बाल वरिस मंडोली संदेश दे रही है ये सब दाया ये दोनों तबकों ने नवाजेगा उहदे विच शुभता भरेगा। ठीक है जी, उस तो बाद बात हुई कह लगे जी आ जो पानी ते दुध की बात सी, वह कहिंदे गल ये है धर्म ते सच्चाई भी है, अज तक भी धर्म नूं लोकां ने एक ऑर्गेनाइज कल्ट दे विच कन्वर्ट करन दी ट्राई की है, सिक्खी ने इस नूं बेबाकी नाल तोड़िया है। अज आप देखोगे मैं फिर अज दी किसानी की मिसाल ही देना वा, लंगरां दी सेवा आपा भाव निवारण दी सेवा अपने आपे तो उत्ते उठ के एक मौका प्रोवाइड करना सब नूं जी आया सारियां नूं इत्थे जिहड़ा खैर मकदम आ ये की है, ये है बजियां होईयां लीहां नूं तोड़ देना, ऐसा लीहां नूं तोड़ना कि सब दे नाल इक जिहनूं कह लो कि इनकलूसिवनैस जिहड़ी है, क्योंकि एक्सकलूड नहीं करना किसी नूं इनकलूड करना है, सब दी बांह फड़नी है, सब नूं सनेहता दे नाल लैके जाना है। ये खालिस सोच दा मुजाहरा तुहानूं अज दी दुनिया दे चिट्टे वड्डे लैवल ते मिलेगा जिहनूं कोई बंदा अहसास भी नहीं कर सकता। खैर जिहड़ी बेनती करन लगा सीगा कह लगा जी गल ये है अपने शागिरदां नूं ते संगतां नूं पीर भीखण शाह इस रूप में आवाज़ दे के कहिंदा है, कहिंदा है कि एक कुजी जिच दुध भरिया है, दुध पवित्रता दा प्रतीक है, भारती खत्ते दे धर्म जिहड़े ना ये पवित्रता ते बहुता जोर देंदे रहे कि बस नहावा नहाना हाथ धोने पवित्र रहना पवित्रता पवित्रता इत्ती सारा जोर आ। गुरु साहब वार वार बाणी जिहड़ी बयान करदे पे जिहड़ा हैगा सुच्चे होण वास्ते सिर्फ हथ पैर धोण दे नाल नहीं सुच्चे इहन आखियां बहण जे पिंडा धोए सुच्चे सही नानका जिन मन वसिया सोए, सिर्फ पिंड नूं धोण नाल कोई सुच्चा नहीं हो जाता, पवित्रता इहदा नहीं कल्ला मतलब, पवित्रता एक मन की दशा आ, पर हाँ पूरा जोर ही पवित्रता ते ला दिता। जे आप तवारीख में पढ़ते हैं सानू पता लगता है कि जिहड़ी खास करके कश्मीर दे विच वड्डे लैवल ते कन्वर्जन की जाती सी उस च पता लगता कि वड्डे लैवल ते ब्राह्मण समाज के लोग जिन्हों का कम वेदा शास्त्रों पढ़ना वगैरह वह सीगा तो हुंदा ऐ सीगा कि सवेरे सवेरे उन्होंने चंदन रगड़ के या केसर वगैरह कुमकुम वगैरह रगड़ के मत्थे ते लकीरां लाउणियां अपना वेद पाठां वगैरह का भजन पाठ करके तो उन्होंने अपने धर्म दिवालिया तो बाहर निकलना। तो कई बार की होना कि किसी काजी मुलाने ने जाके उहदे मंदिर दिवालिया के बाहर खड़े हो जाना, वो पान चब रहा तंबोल खा रहा तो जिवें ही कोई बाहर निकलिया उन्हें फड़िया तो फड़ के इस तरीके दे नाल अपने कोल कीता तो खिच के उहदे मत्थे दे उत्ते लगा होया चंदन दा या कुमकुम दा या कोई भी जिहड़ा टिक्का आ वह जीभ नाल इस तरीके नाल चट लैना। हुण होना कि सिर्फ वो जीभ नाल चट्टण करके वो कई बार उन्हें उन्हें गुस्से उन्हें तंग होना दुखी होना उन्हें कहना शिकायत करनी पे किया कह लगा कि है लाल रंग का तू लाया सीगा केसर का लाल ही रंग तेनों मैं लाता जो मैं तंबोल खा रहा पान खा रहा यदा गलती कोई है पर होया कि है असल चो नापाक हो गया है। इतों तक भी पढ़न सुनने में मिलता है कि मुड़के दिवालिया का दरवाजा वो वास्ते बंद हो जाना कि तेनों हूँ क्योंकि मलेश ने छू लिया उदी जीब मत्थे ते लग गई तू हुण अंदर नहीं आ सकदा गोवे तेरे वास्ते ये जगह बंद होगी। इस किस्म दे नाल एवें भी कोई धर्म बनता तो टुटदा आ बंदे नूं इहदे चों बाहर कढ़िया गया बंदे अपने अमलां ते तस्दीक कर किसे दे बनाया किसे दे क्या ना कोई धर्मी बन जाता ना कोई अधर्मी बन जाता बल्कि अपने आप ते फोकस कर अपने आप ते एम्फसाइज कर। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी इस रूप दे विच
जीवन आवरण लिया मनुख न उत्थे जाके खड़िया किया जिथे जाके मतलब किसी के छूण नाल तो एक पासे रहा कोई किसी को पोरिया पोरिया कट्टन तक भी जाए ना तो भी वह अपनी धर्म की परिपक्ता दे विच रहे ये रूपता की। बाकी गल रही कि धर्म को किसी खास एक चौकटे च बन के ते पवित्रता नाल जोड़ के दुध क्योंकि पवित्रता का प्रतीक है सो इस करे कुजी जिहड़ी है वह दुध की सी दूसरी पानी की। पानी जिहड़ा आ ये भला करदा सिर्फ तो सिर्फ पाबंदी दे विच जिहड़ा पानी जिहड़ा आ किसी नियम में बजा अदरवाइज पानी है समुंदर है उफान आ जाए बर्बाद कर दिंदा पर उही पानी जीवन दिंदा। बरसात पै जाए बहुत सारा पानी हड़ आ जाए बर्बाद करता ओले बन के पै जाए तो भी बर्बाद करता। इस करके किसी नियम के विच सारी इस्लामिक जिहड़ी दुनिया आ वह शरा शरीयत बजी हुई है जिदे जिवें गुरु साहब बाणी च लिखते बंदे सोज पवें विच बंदी देखन को दीदार। वह कहिंदे कि बंदे उही ने जिहड़े खास करके शरा की पाबंदी मनते हैं अदरवाइज असीं बंदिआं नूं बंदे ही नहीं मनते। महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्होंने की किया जो पीर जी ने शागिर्द पुछते तुसीं दोनों कुजियां अगे कीतियां वह कहिंदे एक च दुध सी एक च पाणी सीगी तो उन्हां नूं पैर मार के कहता मैं पाबंदियां तोड़ देंगा तो कल्लियां तोड़ांगा नहीं थले देखो एक पासे दुध आ रहा एक पासे पानी आ रहा एक जगह पर इकट्ठा हो गया ये एक मनुखी सांझ की बात इत्थे की जाएगी। सच्चाई ये है जो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी मैदाने जंग दे रणसिंघे वजाउंदे ने उन्हां रणसिंघियां दे विच मंदर दी तान ते मस्जिद दी अजान दोवां दा समिश्रण हो जाता है। उत्थे कृपा दास दत्त वर्गे कश्मीर तो आए हुए ब्राह्मण जिहड़े एक बार जिहड़ा अपनी डेलीगेशन लैके आए सीगे कि महाराज साडी बांह फड़ो जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की संगत करदे कायाकल्प हो जाता फिर इस काया कल्पना इस काया कल्प हुई हस्ती दे नाल वो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे शिपाइयां दे शमूलियत पाउंदा है ते फिर अल्टीमेटली की हुंदा है गढ़ी दे विच जिहड़ा कच्ची गढ़ी की जंग हुई चमकौर की जंग उहदे च जामे शहादत पींदा है। यह है काया कल्पना यह है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। पीर जी कहिंदे ऐसा औलिया ऐसा मुर्शद ऐसा पीरे कुल कायनात गुरु गोबिंद सिंह साहब इत्थे आ चुका है उन्होंने सिजदा किया इस रूप के अज उन्होंने प्रकाश दिहाड़े में असं इतने मना रहे हैं। मैं हकीम जी के बचना तो प्रारंभ किया बात कि हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है सतगुर के लिखो वसफ कहाँ ताबे रकम है एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे साहिल को मझधार को या लहर को देखे। कहते गुरु गोबिंद सिंह साहब एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे एक छोटी जी अख है मेरी वड्डे तो वड्डा दानशमंद भी जो गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे लिखन लगेगा तो की लिखेगा एडे वड्डी हस्ती दे मालक जीवन यापन किन्ना है टोटल 42 ईयर 42 साल का सारा जीवन है। जिस दिन साहेब महाराज जी के चारे साहबजादे जामे शहादत पी जाते हैं जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे सारा जोड़ा आनंदपुर साहब चला जाता है सब चीज़ा बड़े थोड़े जे समय रीसेंटली असं जो बात कर रहे थे खास करके खिदराने की टाप मुकतसर की जंग की थोड़े जे समय के सिखा वापस ट्रेन करके उस लैवल पर लिया के दोबारा मुगल हुक्मराना दे नाल आ के महाराज लोया लेंदे ते उन्होंने दंद खट्टे करके उन्होंने तोड़ देंदे। इस तो बाद महाराज जो दमदमा साहब पहुँचे तो दमदमा साहब पहुँचने तो बाद दोबारा फिर सिख संगत आ गई रौनक लगियाँ खंडे बाटे की पहल तैयार हुई। महाराज ने उत्थे जो ग्रंथ साहब अच्छ साडे कोल मौजूद ने कहिंदे ने ग्रंथ साहब की लिखाई मुंडों सुतों फिर कराई हालांकि सारा ऑडिट किया गुरु अर्जन साहब का ही सीगा पर इहदे विच नवें सिरे तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी रची इस रूप में सानू इतिहास मिलता सारी बात लिखावट में आती है। खैर उत्थे साहेब महाराज जी के परिवार माता सुंदरी जी खास करके दिल्ली तो तुर के वो पहुँचते हैं उत्थे माता साहेब कौर जी साहेब दीवान जी वह भी पहुँचते हैं उत्थे मतलब सारा सिख संगत एहसास कर दिया ने कि महाराज का परिवार सारा इकट्ठा होया जे 38 साल की अरबला है सारी तो महाराज ने बकायदा तौर पर बात की जाती कि पातशाह कि तुसी हुण आनंदपुर साहब तो हुण आ गए हो इत्थे ते डल्ले दे जिहड़ा जिथे अज तख्त बने ना दमदमा साहब तलवंडी साहब ओकी वाला ये डल्ले का अपना घर सीगा भाई डल्ले जी का इत्थे गुरु साहब ने टिकाणा किया जिथे अज दा परिवार रहिंदा ये उहदा तबेला सीगा वो अपना परिवार तबेले च लै गया गुरु साहब नूं उत्थे
अपने मकान पूरे दे पूरे सिखा ते गुरु साहब नूं ठहराया। महाराज एक कम करो, मतलब उन्हों का इशारा यह सीगा गुरु साहब वल कि तुसी हुण एक नवीं शुरुआत करो, तुसी इत्थे टिकाणा करो पक्का। अब्बल ते मकान हवेली बनी डल्ले वाली, पर फिर भी सविधा तुहाडे उस आनंदपुर साहब के किलियां वर्गी उहो जिहा आभा नहीं रखती। महाराज सानू इजाजत दिओ सी वड्डा वड्डी हवेली वड्डा महल तुहाडा बनाउने आ इत्थे, तुसी इत्थे रहो इन्हां महलां च वसेबा करो, पाप अगों फिर परिवार इजाफा करो, इस रूप में सारी बात करो। गुरु गोबिंद सिंह साहब हस पए ते हस के कहन लगे, बिल्कुल ठीक है सिखो, तुहाडी गल सच्ची है, मैं भी सोचदा कि वास किया जाए। कहन लगे, जी फिर तो गल रल गई, तुसीं भी चाह रहे सीगे, महाराज दसो किवें दा महल तैयार करिए, कहो जी उच्च संगे मरमर लगाइए, किड्डा वड्डा महाराज इस रूप। सब कहिंदे सिखो रहना तो जरूर है, पर हुण संगे मरमर के महलों च नहीं रहना, इन्हां पत्थर दियां बनियां दीवारां दे विच नहीं रहना। खालसा जी मैनू रखोगे? कहन लगे, पातशाह तुसी तरस करो, तुसी ते साडे ते बड़ी वड्डी कृपा करोगे। साहब कहिंदे मैं रवांगा, पर हुण मैं रवांगा पता कित्थे? खालसे मैं हूं करो निवास, मैं हुण अपना निवास अपने खालसे च ही कर लैणा है। एवें नहीं कहता इन पुत्र ने किसी इस परिवार दी सुत चार चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। मैं बेनती की किड़े रंग नूं वेखोगे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे, जिथों बात शुरू की सीगी कि जन्म मरण दूहों मैं नाही, जन पर उपकारी आए। गुरु ने कहा मैं किते तेरे तो दूर नहीं, मैं तेरे विच वसदा, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंग संग हाँ। सानू ये बचन पढ़ाए गए समझाए गए, रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहेब मैं उसका चेहरा, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देहूं मैं सारा, जब है गह विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत, जब लग खालसा रहे न्यारा। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तेनू न्यारा रूप दिता ना, जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने न्यारी विचारधारा दिती, सिख जी इहनू अडोप्ट करनी, इहनू धारण करें, गुरु तेरे नाल है, गुरु तेरे विच वसेगा, आके गुरु तेरे विच वरतेगा। मैं क्या अनेक रंग ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के जीवन दे, आ रंग कैसा आया, खालसे मैं हो करो निवास, मैं अपना निवास अपने खालसे दे विच ही कर लेना आ, अज भी गुरु तेरे अंग संग है। सो यह है एहो जे सतगुरु जिन्हों बाबत बाणी का बचन बयान कर रहा सीगा कि जन्म मरण दूहूं मैं ना ही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाए, जी दान जीवन का दान दे रहे, हर स्यों लहण मिलाए, वो हरी का वाक्य ची गोबिंद रूप आ, तुसी उहदा पल्ला फड़ो, वह गोबिंद उस गोबिंद रूप तक ही तुहानू पहुँचा देगा। गुर शब्दी गोबिंद गजया, तुहाडी सुरत विचों गोबिंद गजेगा, जिवें उह धरती दे उत्ते हर जरवाणे हर जालम हर उस कूड़ ते कुसत नाल भरे हुए उस संसार दे सामने खड़ा हो गया, तो उहने सत हक अते दीन दी रखिया कीती। एग्जैक्टली इन बिन तेरे अंदर जिहड़े शुभ गुण ने उन्हां दी रखिया होएगी, अशुभता सारी नूं जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अशुद्धता नूं खत्म किया, तेरे अंदरों अशुद्धता नूं मुका देगा इस हिरदे दे विच्चों। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे प्रकाश पुरब दी आप समूह नूं कोटान कोट मुबारकबाद, कोटान कोट वधाई होए। इहो जिहे सतगुरु की जय जयकार जुगां जुगांतरां तो आएगी, तो जुगां जुगांतरां तक जाएगी। ये साडा सिखी का विश्वास, सिखी का बोलबाला है। इत्थे समाप्ति भुलां गलतियां ना चितारिओ जे, सब प्रेम आवाज़ दे के कहना जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।